हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आज की इस YouTube वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ग्रुप डी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी ला रहा हूं। जी हां, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। देखिए, अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है, कोरोना का बैड इफेक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम थोड़े दिनों के लिए और जो एग्ज़ाम का माहौल है वो थोड़े दिनों के लिए लग रहा है धूमिल सा हो गया है। बच्चों के मन में परेशानियां हैं कि सर अब डेट क्या होंगी एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, और कई लंबे अरसों से बच्चों ने वेट किया है। एक तो रेलवे प्रशासन की कमजोरियों की वजह से बच्चों को इतना लेट करना पड़ा, और उसके बाद ये कोरोना का कहर। क्या बच्चे प्राकृतिक रूप से भी शिकार होंगे या जो राजनीतिक शिकार तो हुए ही हैं, प्राकृतिक रूप से भी शिकार हो रहे हैं। खैर, कोरोना बहुत जल्द भारत से वापस लौट जाएगा। जिस तरह की स्थिति है लॉकडाउन की, मुझे लगता है कि 14 अप्रैल तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। खैर, इसकी बात मैं बाद में करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि जो आपके लिए खुशखबरी है ग्रुप डी में और जो इंटरनल न्यूज़ है, जो कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ है, वो ये है कि जितने भी ग्रुप डी के एप्लीकेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। सभी का जिनका एक्सेप्ट था उनका एक्सेप्ट रहेगा, और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को एक और भी मौका मिलेगा अपने फॉर्म को मॉडिफाइड करने का, यानी सुधारने का। एक मॉडिफिकेशन लिंक आएगा, और जैसे ही कोरोना का इफेक्ट खत्म होगा, और मुझे उम्मीद है कि जैसी स्थिति रहती है, लेकिन आप ये मानकर चलिए जैसा सरकार का प्रपोजल है कि अप्रैल महीने के लास्ट तक आपका एक लिंक आएगा, और उस लिंक के तहत आपको फॉर्म में सुधारने का मौका मिलेगा। तो जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स है वो इस बार गलती मत करना, क्योंकि रेलवे ने आपको एक और मौका दिया है, और ये आपको अभी तक किसी YouTube चैनल ने नहीं बताया होगा। ठीक है, ये सबसे इंटरनल कॉन्फिडेंशियल न्यूज था। अब बहुत बच्चों के मन में सवाल है कि सर एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, क्योंकि आपने ई टेंडर नोटिस, फिर से रिवाइज नोटिस आया, और उसमें डेट को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए। तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि मुझे 3 तारीख को खबर मिलेगी, और मैं 5 तारीख को वीडियो लेकर आ रहा हूं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड डेट कब रहेगा, और ये 100% कॉन्फिडेंशियल न्यूज होगी। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप 5 अप्रैल को सबसे बड़ा अपडेट, यानी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड डेट कब होगा, इसको लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, उनकी सारी शंकाओं का समाधान होगा। तो आज की इस YouTube वीडियो देखने के लिए आप तमाम दर्शक वर्ग का तहे दिल से धन्यवाद। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें, घर पर रहकर तैयारी करें, और ये आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि समय जितना मिल रहा है उसको निगेटिविटी में मत लें। समय मिलेगा, आप पॉजिटिव होकर तैयारी करें, और ये मानकर चलिए कि आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम 100% होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये क्योंकि ये नेशनल इशू बन चुका है, और बड़े बड़े अखबारों के माध्यम से, बड़े बड़े पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, और यहाँ तक कि लोकसभा में भी इसकी आवाज़ गूंजी है, या राज्यसभा में भी इसकी आवाज़ गूंजी है। इसलिए एग्जाम होकर रहेगा। आप सभी दर्शकों का एक बार तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को देखा और सराहा। आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सर्च करें पंकज कुमार सिंह, द डायरेक्टर ऑफ प्रीमियर कोचिंग। जैसे ही आप सर्च करेंगे, मेरे सारे वीडियोज आ जाएंगे। वहां आपको लाल बटन का सब्सक्रिप्शन बटन दिखेगा, उसको दबाइए, उसके बाद टैब बेल दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे YouTube के माध्यम से मिलता जाएगा, जैसे जैसे मैं यहाँ वीडियो बनाता जाऊंगा। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी अलर्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड वेट फॉर 5th of April, so subscribe more and more in numbers. Good day.